आज की क्लास में बच्चों को क्या सिखाया जाए? जन्माष्टमी के लिए कई बार मैंने मुकुट सिखाए हैं, बांसुरी सिखाई है। चलो इस बार कुछ नया किया जाए। एक काम करते हैं, क्यों नई नए कन्हैया जी कई पगड़ी बनाना सिखाया जाए। यही सही रहेगा। अरे नहीं नहीं बच्चों, मैं तुम्हें पढ़ाने वाली नहीं हूँ, मैं तो तुम्हें आज कन्हैया जी की पगड़ी बनाना सिखाने वाली हूँ। मैं तो देख रही थी कि कन्हैया जी पर कौन सी पगड़ी अच्छी लगेगी। तो बच्चों है ना ये आपके लिए नई खबर, अभी तक आपने हमेशा से मुकुट बनाए, बांसुरी बनाई, परंतु इस बार कुछ नया करेंगे। बच्चों कान्हा जी की पगड़ी बनाने के लिए कुछ नेट वाले कपड़े, सूती कपड़े और कुछ चमकीले कपड़े, लेस, कैंची, ग्लू, ग्लू गन या फिर फेविबोंड, परंतु एक्रेलिक ग्लू होना जरूरी है, और उसके अलावा डेकोरेशन की सामग्री, बस इन्हीं चीज़ों से और छोटा सा एक कार्ड का टुकड़ा, सारे पीसेस हमको बहुत छोटे छोटे चाहिए, वेस्ट मटेरियल से आप बना सकते। और अगर बच्चों कुछ भी उपलब्ध ना हो तो मत घबराइए, किसी पुराने सिले हुए जो कपड़े हैं जो आपने सिलवाए थे उसमें से बचे हुए कपड़े और केवल सुविधा का से भी आप ये सब बना सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार का नेट, कन्हैया जी को पीला रंग बहुत पसंद था इसलिए अधिकांश चीजें हमारी पीले कलर की होगी। देखिए सूती कपड़ा भी पीला है, कॉटन भी पीला है और एक छोटा सा कार्डबोर्ड के टुकड़े के साथ ये ज्वेलरी है यह भी सब पीली है। फूल, लेस, फेविबोंड, मोरपंख, ये सभी। इस कार्डबोर्ड के टुकड़े को अपने कन्हैया के सिर के आकार में गोलाई का शेप दे और फिर इसे सीधा रखकर इस प्रकार से कोण का शेप बनाकर के जिससे कट कर दें और ग्लू लगाकर पीले रंग के जो सूती कपड़ा है उस पर पेस्ट कर दें, और पेस्ट करने के बाद इसको दोनों तरफ से कैंची से कट लगा दें ताकि मोड़ने में आसान हो। देखिए कट किस तरह दिखाई देंगे। अब ग्लू की सहायता से उसको चिपका दें। अब इस तरह से तैयार हो जाएगा। अब आप फिर से इसे एक राउंड शेप में लेकर चिपका दें। अब इसकी गोलाई के नाप से एक बकरम पर गोला छोटा सा सर्कल कट करें और कट करने के बाद उसे भी इसी तरह कपड़े में रखकर फेविबोंड से चिपका दें और उसको भी कट कर लें। ये देखिए इस तरह। अब जो आपका ये जो पगड़ी तैयार है इसके ऊपर इसको लगा दीजिए, एक तरफ लगेगा एक तरफ खुला होगा। और ये देखिए अब जो आपका सिल्क का कपड़ा है उसकी इस तरह से प्लीट्स बनाइए, ये ही टर्बन की सल बनेगी जो बहुत प्यारी लगेगी। तो देखिए किस तरह आपको अरेंज करना है, आराम से करिए, कपड़ा चिकना है, हाथ फिसलता है, पकड़ कट्ठी रखना होगी। तो बच्चों साथ साथ में फेविबोंड या फेविग्लू से चिपकाते जाए। देखिए किस तरह से ये तैयार हो गई। अब देखिए रेड कलर की नेट से भी कुछ इसी प्रकार के चुन्नट हम दे रहे हैं, और जो आधे एरिया में हमने छोड़ा है उस एरिया में इस तरह से अरेंज कर दीजिए। ये देखिए तो हमारी पगड़ी दो कलर में तैयार हो गई है। अब देखिए बारी आती है इसके तुर्रे की, या जो इसकी कलंगी होती है। तो एक बकरम को कपड़े में लपेटकर किस तरह से प्लीट्स बनाई जाती है ये देखिए। और अच्छे से प्लीट्स बनाने के बाद एक तरफ से छोड़ दिया जाता है तो इस तरह का शेप बन जाता है। अब इसको सुई धागे की सहायता से सिल लीजिए ताकि ये छूटे नहीं, बिखरे नहीं। ये देखिए हमारा ये कलंगी तैयार हो चुकी है। अब इस प्रकार की डायमंड लेस या और जो आपको पसंद हो या उपलब्ध हो उससे फेविग्लू की सहायता से कोण बनाकर इस तरह से उसको डेकोरेट करते जाएं। डेकोरेशन का प्रकार आप तय करेंगे, मटेरियल जैसा उपलब्ध हो। ये देखिए हमने तीनों लेस की सहायता से अच्छा सुंदर सजा लिया है और ये हमारे कन्हैया जी की पगड़ी
तैयार, बोलो नंदलाल की जय। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। आप सब भी घर पर कान्हाजी की पगड़ी बनाएंगे और उसकी छोटी सी क्लिपिंग लेकर हम तक पहुंचाएंगे। पूरे पेशेंस के साथ वीडियो देखने के लिए आप सबको थैंक यू। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे। बाय बाय।